नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आप सबके समक्ष प्रस्तुत हैं कुछ नए विचारों के साथ, कुछ नए वास्तु टिप्स के साथ। आज फिर आपसे कुछ अपने वास्तु से संबंधित कुछ चीज़ें हम आपसे साझा करते हैं। आप लोगों का हमारे प्रति जो अपार प्रेम है, उसके लिए बहुत बहुत आपको हमारी तरफ से धन्यवाद। और आप लोगों का जो हमारे YouTube चैनल, हमारे Facebook, हमारे Instagram पे जो आप हमारे प्रति जो अपना प्रेम दिखा रहे हैं और जो हमारे पेज को लाइक्स सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम फिर आपसे चर्चा करते हैं वास्तु के उन विषय पर जिन छोटे छोटे नियमों का हम पालन करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। ये छोटे छोटे नुस्खे वो हैं जो हमारे को हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी माँ, जो हमारे को पीछे से बताए जाते थे, जिनको हमें फॉलो भी करते थे, लेकिन आज के इस आधुनिक दौर में हम इन चीज़ों को भूल गए हैं। आज हम उन चीज़ों को लेके ही आपसे चर्चा करेंगे। अपने जीवन के कुछ कीमती पल आप निकाल करके अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। सबसे पहले हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो भी हमें बताते थे, कुत्ता एक जानवर है जो बेजान जानवर है, जो बोल नहीं सकता, जो वफादार इंसान से ज़्यादा वफादार है, लेकिन उसको भी जानवर होने के बाद उसे भी समझ है कि कुत्ता भी पूँछ मार के बैठता है। कुत्ता भी पूँछ मार के बैठने का मतलब है कि वो भी जिस स्थान पर बैठेगा उस स्थान को साफ और स्वच्छ करके बैठेगा। हम तो फिर भी इंसान हैं, परमात्मा ने हमारे को हाथ पैर आँख नाक सब कुछ दिया है, समझने के लिए बुद्धि दी है, सिर्फ चीज़ें अप्लाई करने की ज़रूरत है। हम अपने जीवन में अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके अपने जीवन को आनंदित और सुखमय कर सकते हैं। उन्हीं विषयों पर लेके आपसे चर्चा है। जब हम अपने घर के अंदर साफ सफाई स्वच्छता रखते हैं, माँ लक्ष्मी भी उस घर में ही निवास करती है। ये लक्ष्मी का पहला नियम है, पूरे घर को साफ और स्वच्छ रखिए। झाड़ू जो हमने भी आज तक सुना है, आज भी सुनते हैं, झाड़ू भी लक्ष्मी का ही प्रतिरूप है जो आपके पूरे घर को साफ और स्वच्छ करती है। आप घर को साफ और स्वच्छ रखोगे तो लक्ष्मी आपके घर में निवास करेगी।